इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम जी का गुण समूह जो भजेगा, गाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, वो ये पांचों वस्तु पाएगा। मंगल होगा, मुक्ति मिलेगी, धन मिलेगा, धन माने परमार्थ। परम धन है परमार्थ, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। धर्म सिद्ध होगा, क्यों? हम वो हैं जो हम सोचते हैं। मनुष्य का निर्माण उसके सोच से होता है, उसके चिंतन से होता है। इसलिए मैं तो बार बार आग्रह करता हूं, अच्छा सोचिए, बढ़िया सोचिए, भूत मत सोचिए, वर्तमान सोचिए। भूत नहीं सोचना है, वर्तमान को सोचना है। और निश्चित मानिए, वर्तमान सोच करके जो अपने वर्तमान को व्यवस्थित कर लेगा, उसका भविष्य तो दिव्य दिव्य हो ही जाएगा। भूत का नहीं, अरे आप मिले थे तो भया ले, मिले थे नहीं, मिले हैं। केवल वर्तमान में रहने का अभ्यास करिए। आज मंगलवार है, सोमवार की चर्चा न करिए। अरे आपसे एक बात करनी थी, क्या? 2 साल पहले बंद करो, आज की बात करो। गता सोनश्च सोनश्च नान सोचंत पंडिता, बिताओ बिता, वर्तमान में आइए। जीवन का लाभ यही है कि हम वर्तमान को, अरे हम भूत के रोने में वर्तमान भी समाप्त कर लेते हैं, है ना? वर्तमान की सोचिए, भूत की न सोचिए, वर्तमान की सोचिए, आज की सोचिए, और आगे सोचना है तो आगे की सोचिए। आगे की जो सोचेगा वो बुद्धिमान है, वर्तमान की जो सोचेगा वो समझदार है, और भूत की जो सोचे उसके आगे जो लिखना है अपने आप लिख लो। भूत में जाइए मत, वर्तमान में आइए, वर्तमान में। जो गाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, 5 वस्तु पाएगा। देखिए, हम रामचरितमानस जी से राम कथा वो सुनाते हैं जो हमारी अपने जीवन में अनुभूति आती है। एक से एक महापुरुष हैं, विद्वानों का तो अखाड़ा है भारतवर्ष, परंतु इधर 26 वर्ष में कथा गाते 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 क्या अनुभूतियां आती हैं। समाज कहता है, ये कहते हैं, वो कहते हैं, वो सुनते हैं, आहा। श्री रामचरितमानस जी का जिसके जीवन में पारायण उतर गया, उसका जीवन शुद्ध भी हो जाएगा, बुद्ध भी हो जाएगा, और स्वयं सिद्ध भी हो जाएगा। जिसके जीवन में आ गया, ये सब सिखा देती है मानस सब सिखा देती। ऐसा कुछ नहीं है जीवन में जो मानस में नहीं है। चाहे जो प्रश्न हो, चाहे जो समस्या हो, सबका समाधान मानस में है। इसलिए लोक मंगल कर देती है मानस। जिसके जीवन में, गांव में भी जो लोग रामायण पढ़ते हैं ना, उनको लोग भगत जी कहने लगते हैं। अभी मॉरिशस से एक बच्चे ने भेजा, मुक्तानंद जी ने, एक मुसलमान बालक चौपाई गा रहा है, वो 2.5-3 साल का बालक। कहा क्या गाओगे? बोले
मैं रामायण की चौपाई गाऊंगा। गाओ, मंगल भवन मंगल हारी द्रभुष दशरथ अजीर बिहारी। बच्चे को किसने पढ़ाया? बच्चे का आह्लाद है, आनंद है। जिसके जीवन में मानस उतरा, राम कथा उतरी, रामायण अवतरित भया, उसका जीवन शुद्ध बुद्ध और सिद्ध। प्रमाण मत ढूंढिए। अच्छा जरा देखिए, ये जो देश में विदेश में महापुरुष लोग भगवत कथा गान करते फिर रहे हैं, उनका कितना बड़ा मंगल होता है। हमारे हरिद्वार में एक महापुरुष हैं, प्रातस्मरणीय पूज्य अर्जुनपुरी जी महाराज, एक ही वचन कहते हैं कि बेटा, मैं तो रामायण का भक्त हूँ, रामायण ने मुझे पूरी दुनिया का भ्रमण करा दिया, गुटके ने दुनिया का भ्रमण करा और मुझे कुछ नहीं आता, केवल रामायण में। और इतना विशाल श्री तुलसी मानस मंदिर बनाए हैं, आप जाएंगे दर्शन करेंगे, वाह वाह रामायण में। वो तो वहां बना दिए, अयोध्या जी में जो रामार्चन भगवान का मंदिर बन रहा है वो कौन बना रहा है? वो भी रामायण जी बना रहे। अपनी कोई फैक्ट्री थोड़ी है, ये तो गोस्वामी जी की फैक्ट्री है। हो ये पूरी दुनिया घुमा रहे हैं और अपने आप सब अपना काम। जिसके जीवन में मानस आया, उस मानस में सुगंध भर जाएगी। बस घरवा में चौपैया सुनाए के चाहिए। बहुत व्यस्त रहते हैं, अरे का करते हैं व्यस्त रहते हैं, सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहते हैं, का कितना काम है, आध घंटे का काम है। अरे बच्चे भगवान के पास बैठेंगे हो, तब उनमें धीरे धीरे इस प्रकार की प्रश्नावली आएगी। और बच्चों के लेके जब हम लोग टेलीविजन के पास बैठेंगे तो फिर वैसी प्रश्नावली बनेगी। हम हमारा संहारे, साथ में बैठे हो तो कुछ चर्चा हो जाए, ये इसकी महिमा है। मानस जब मानस में आवेगा तो मानस को सुगंधित करेगा। आवे कैसव आवे, आपने सुना अनेक बार, प्रातस्मरणीय पूज्य बिंदु जी की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, महिमा पर है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर जिसको भी जगत में रहते हुए परमार्थ पूर्वक
इस जगत से जाना। देखिए आज बैठे थे कहीं घर पर बैठे थे, कुछ लोग आए थे मुंबई से, घर पर बैठे थे तो बोले गुरुजी आए हैं तो कुछ प्रकाश हो जाए। तुमने कहा बेटा ये दो ही प्रकाश लेके जाओ। जीवन में दो बातें हमारे पास अवश्य आएंगी जिसकी हमारी कोई तैयारी नहीं है। क्या? दुख और मृत्यु। पांच तत्वों का बना शरीर है मित्रों, माताओं, प्रेमियों, तो इस शरीर में दुख अवश्य आएगा। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे तैसा करेंगे, ऐसा वैसा जैसा कैसा भी करेंगे, लेकिन ये तैयारी हमारी नहीं होती है कि घुटने में दर्द भी होगा, कमर में साइटिका भी होगी, आंख में रतौनी दिनौनी मोतियाबिंद सब आवेगा, कान में कम सुनाई पड़ेगा। हमारी अपने शरीर के बारे में कोई तैयारी नहीं है। और मृत्यु निश्चित आवेगी ये भी पता है, लेकिन उसकी भी कोई तैयारी नहीं। हमारी जीवन की तैयारी है, हमारी स्वस्थ रहने के अनुसार तैयारी है, अस्वस्थ भी होंगे इसकी हमारी कोई तैयारी नहीं। क्यों? इस कारण हम जब जैसा चाहते हैं तब तैसा करने लगते हैं। अच्छा तो इसका स्मरण करके क्या करें? जिस कारण से शरीर में दुख आवेगा उस कारण को आने से रोका जाए। तो भाई इससे दुख आएगा, इसको नहीं करना है। एक, मृत्यु से डरना नहीं है, क्योंकि ये तो निश्चित है, जो जन्मा है वो जाएगा। फिर क्या करना? इसकी तैयारी करें। मृत्यु की तैयारी की जाए कि यदि जाना पड़ेगा तो कोई संकोच नहीं आएगा। अभी नहीं, 3 दिन बाद आइएगा, खुशी खुशी बाजा गाजे के साथ चल पड़ेंगे। तैयारी नहीं। आदमी जीना चाहता है, कमाना चाहता है, बनाना चाहता है, रहना चाहता है, केवल मरना नहीं चाहता। कारण तैयारी नहीं है। और कथा जीवन नहीं संभारती है, कथा हमारी आपकी इनकी उनकी सबकी मृत्यु को संभारती है, मृत्यु को संभारती है। हम जब चलेंगे तो हमारे साथ संसार का कोई ऐश्वर्य नहीं चलेगा, केवल परमार्थ तत्व चलेगा, सदकर्म चलेगा, हरि नाम चलेगा, तीर्थ यात्रा चलेगी, पुण्य चलेगा, पूरा समूह चलेगा। जितना परमार्थ हम इकट्ठा कर लेंगे वो सब हमारा साथ देगा। वही टिकट है, वही पूजी है। अब जरा इसका विचार सोए सोए करिएगा, उठकर प्रभात में करिएगा कि हमने इसके लिए कितना संवारा। कोई भी मिलने आता है, किसी के पास हम जाते हैं, बैठे रहते हैं, वो केवल यही बताता है मेरा बेटा क्या करता है, मेरी बहू क्या करती है, मेरा भाई क्या करता है, मैंने क्या क्या किया। कौनो ये नहीं बताता है कि मैंने ये परमार्थ कर लिया, इतना जाप कर लिया, इतना पाठ कर लिया, इतना पुण्य कर लिया, कोई नहीं बताता। केवल इनकी उनकी, अरे काहे खोए दे रहे हैं। हम तैयारी में रहे, हम हमारी तैयारी में रहे भैया। काहे कि हम हमारे साथ अकेले चलने वाले। आपने सुना होगा, आएगा जबरे बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ साथ चले।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।